बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के हम आपको पेपर का न्यूज बता रहे हैं कि सरकार शिक्षक बहाली के लिए तैयार है, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही संभव हो पाएगी बिहार में शिक्षकों की बहाली। ये न्यूज आज का है कि बिहार टेट और सीटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के 3 सदस्यीय एक शिष्टमंडल ने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से पटना स्थित उनके आवास पर शनिवार को मुलाकात कर अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के अध्यक्ष अजय कुमार झा ने बताया कि इस दौरान शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा ने उसे कहा कि बिहार सरकार बहाली करने के लिए तैयार है और बिहार में शिक्षकों की कमी भी है। वहीं बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या कोई ज्यादा अधिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही सरकार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मंत्री के समक्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि 12 जुलाई को फैसला नहीं होगा या तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी तो बहाली कैसे होगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बहाली के लिए कोई न कोई बीच का रास्ता निकालने के बारे में विचार करेगी। तो फाइनली सभी टीईटी पास अभ्यर्थियों को 12 जुलाई को फैसले का इंतजार करना होगा कि 12 जुलाई को क्या फैसला आता है। अगर 12 जुलाई का फैसला हो जाती है तो भी अच्छा है, अगर नहीं होती है तो भी अच्छा है, क्योंकि 12 जुलाई के बाद सरकार कोई न कोई शिक्षकों की बहाली को लेकर के बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। इतना आश्वासन बिहार टेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिल चुका है शिक्षा मंत्री से। और सरकार का भी मानना है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, शिक्षकों की सीट बहुत ज्यादा खाली है और पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। तो कहा जा सकता है